Assalamualaikum everyone, very very good morning and welcome back to my channel. आप लोग टाइटल और मेरे कपड़े देख के तो समझ ही गए होंगे, आज का पूरा दिन हम लोग सिर्फ पर्पल कलर का खाना खाएंगे. This is gonna be tough, लेकिन हम कर लेंगे. तो यहाँ पे मैं सो के उठी थी, बस मेरे कपड़े चेंज किए थे, तो अभी मैं जाती हूँ और थोड़ा तैयार श्यार होके आती हूँ. एंड यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी और अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. सबसे पहले नाश्ते के लिए मैंने फालसा लिया था, साथ में और भी कुछ था, दिखाती हूँ आगे. थैंकफुली फालसे का सीजन चल रहा था तो, और ये मुझे काफी पसंद भी है, तो मैंने ये फालसा खाया था सबसे पहले. तो ये काफी खट्टा और मजेदार था तो इसको खा के मजा आया. उसके बाद मैंने ये लिया था रेड ग्रेप्स वाला जूस था ये. तो काफी मुशक्कतों के बाद फाइनली मैं इसको खोलने में कामयाब हो गई थी और फिर मैंने इसको पिया और इस तरह से मेरे से सही से पिया नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ग्लास में डाल के कि एकदम पर्पल है ये, ब्लैक नहीं समझना इसको. अच्छा था, मतलब ठीक ठीक था, काफी आर्टिफिशियल था इसका फ्लेवर. अच्छा आप लोगों को आपस की बात बताती हूँ, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा बहुत खा के ना फिर मैं अपने लिए कुछ पर्पल कलर से बीट रूट चीला और इस टाइप का कुछ बना लूंगी, लेकिन जब मैंने ये इतना बड़ा जूस पी लिया ना ये बहुत ज्यादा मीठा था, फिर बस ऐसे अजीब सा हो गया मीठा. सुबह सुबह जब खा लो तो ऐसा हो जाता है ना, तो वैसे हो गया था. फिर मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा था, मतलब भूख लगी थी बट दिल नहीं कर रहा था. वैसे भी इस टाइम पे 12 बज गए थे तो मैंने सोचा कि चलो एक ही बार लंच कर लूं. लंच पे आते हैं तो अब मुझे पर्पल कलर में ऑब्वियसली मीठा तो खाती नहीं रहूंगी, नमकीन भी बनाना है. तो आज के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं ये चुकंदर और ये पर्पल वाला जो कैबेज होता है. अभी हम यूज करेंगे कैबेज को, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए भी रख दिए थे. मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आज मेरे पास बोलने के लिए कितना टाइम है. वैसे जब शॉर्ट वीडियो मैं मोस्टली अपलोड करती हूँ तो उसमें सिर्फ एक ही मिनट होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ बोलना पड़ता है, बट आज मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मैं सुकून से बोल सकती हूँ. खैर मैंने इसका फिर पूरा छिलका उतार दिया था और इतने में मेरे हाथों से खून भी निकल आया, वो भी पर्पल कलर का, क्योंकि आज मैं पर्पल चैलेंज कर रही हूँ. अच्छा, यहाँ पे आलू उबल गए थे तो मैंने मैश कर लिया था उनको. उसके बाद मैंने जो बीट रूट था उसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया था. देन मैं नमक और काली मिर्च डाल के इसको ऐसे बिल्कुल एकदम मिक्स कर लिया और यहाँ पे इसकी टिक्कियां बना ली थी. तो यहाँ पे मैं बीट रूट वाली टिक्कियां बना रही थी जो एकदम पर्पल बनी है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था. फिर मैंने इनको किसी चीज की कोटिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं कोटिंग करूंगी तो इनका कलर चेंज ना हो जाए, बाहर से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर क्या फायदा. और जब तक ये फ्राई हो रही हैं हम साथ में एक और चीज बनाएंगे. आप सबने वो आलिया भट्ट का फेमस बीट रूट सैलेड तो देखा ही होगा, तो मैंने कहा आज बिल्कुल सही टाइम है इसको ट्राई करने के लिए. यहाँ पे मैंने बीट रूट लिया था अगेन, ग्रेट किया हुआ, उसके अंदर मैंने दही डाला था थोड़ा सा, साथ ही मैंने डाला था इसमें नमक, काली मिर्च और चाट मसाला. देन इनको मिक्स कर लिया था, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था और ऊपर से मैंने इसमें तड़का भी डाला था जिसमें मैंने डाला था राई और जीरा. इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डालना था बट मेरे पास वो था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला. तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अभी रेडी हो गया एकदम पर्पल. साथ ही साथ हमारी टिक्कियां भी फ्राई हो गई थी, टिक्कियां मतलब बिना कोटिंग के फ्राई की थी तो ऐसी शक्ल ही आनी थी इनकी, बाकी टेस्ट करके देखेंगे कैसी है. तो लंच तो मेरा रेडी हो गया था बट अब इतनी गर्मी है, पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फालसा फ्लेवर का सोडा मंगा लिया था जो पर्पल था. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टिक्कियों से स्टार्ट किया था, इनको मैंने टेस्ट किया, मतलब मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पता नहीं क्यों देख के लग नहीं रहा था इतनी अच्छी. पहले तो इसका टेस्ट समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले तो हमने डाले नहीं थे. फिर मैंने जब दूसरी बाइट ली तो मुझे मतलब इसका टेस्ट काफी सही लगा, दिखने में लग नहीं रही थी इतनी अच्छी होंगी बट मुझे अच्छी लगी, मतलब मैं इनको इजीली फिनिश कर सकती थी. और ये जो मैंने सेकंड इतनी बड़ी बाइट ली है इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे कितनी ज्यादा भूख भी लग रही थी और ये मुझे पसंद भी आई थी. उसके बाद मैंने ये जो हमारा बीट रूट सैलेड था इसको टेस्ट किया, इससे मुझे काफी उम्मीदें थी क्योंकि मैंने वीडियोज में देखा लोगों को ये बहुत पसंद आता है. फिर मैंने इसकी बड़ी सी बाइट ली क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो अच्छा ही होगा. तो जब खाया तो ये एकदम ठंडा ठंडा था तो मेरे दांत में लग गया. खैर उसको साइड पे करने के बाद मैंने इसका टेस्ट लिया तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सही है सही, लेकिन है. मैंने एक दो बाइट सी खाई थी, मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा. पता है क्या, इसमें इतने सारे फ्लेवर थे, मतलब सैलेड या रायता जो भी आप बोलो उसमें इतने ज्यादा फ्लेवर अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब जीरा भी और वो राई चाट मसाला ये सब अच्छा नहीं लग रहा था. अगर सिर्फ इसमें नमक और बीट रूट और दही होता तो शायद मुझे ये पसंद आती, मतलब ये मेरा टेस्ट नहीं था शायद. इसको तो मैं फिनिश नहीं कर पाई. उसके बाद मैंने ये फालसा सोडा पिया था. अच्छा आप लोगों को मजे की बात बताऊं, फालसे को इंग्लिश में ब्लैक करंट बोलते हैं, मुझे भी ये आज ही पता चला है. मतलब मैं तो समझती थी ब्लैक करंट कोई अलग ही कोई इंग्लिश टाइप का फ्लेवर है, मतलब हमारे अपने फालसे को ही बोलते हैं ब्लैक करंट. तो मैं तो काफी शौक हुई है सुन के, बहुत अच्छा था ये. ऐसे गर्मी में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगती है ठंडी चीजें, इसको पी के एकदम सुकून आ गया और मेरा पेट भी भर गया था. उसके बाद शाम को स्नैक्स का भी मैं थोड़ा बहुत इंतजाम करके रखा था जितने मुझे मिल सके. यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा दी आइकॉनिक फालसा पापड़, मतलब ये मैंने बच्चों को खाते हुए देखा और मेरी कजन ने मुझे बताया था कि अंदर से पर्पल होता है. उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था बट मैंने फिर भी ले लिया, खोला और सरप्राइजिंगली ये फालसे से भी ज्यादा पर्पल थे. आप लोग देख सकते हैं इन्होंने कितना ज्यादा आर्टिफिशियल कलर इसमें डाला हुआ है, ये फालसे से भी ज्यादा खट्टे थे, मतलब इतना खट्टा तो फालसा भी नहीं होता है जितने ये बना दिया इन्होंने. ऐसी चीजें मुझे पसंद नहीं आती हैं तो ये तो वैसे भी बहुत खराब थे तो मैंने इनको वापस डाल दिया. इसके बाद मैंने ये लव करके जो कैंडी थी ये खाई, ये भी पर्पल में ही थी और ये खाने में अच्छी थी. उसके बाद हमारी फ्रूट गाला खाई, ये आई गेस के ब्लूबेरी या फिर
ब्लैक करंट फ्लेवर में होती है, और ये भी काफी अच्छी थी, मतलब ये तो बचपन से खाते आ रहा है। थोड़ी हार्ड हो गई थी, मेरा दांत तोड़ दिया इसने, लेकिन वैसे अच्छी और एकदम मेरे सूट से मैच कर रही थी। डिनर वैसे मुझे खुद ही बनाना था, तो यहाँ पर डिनर की मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो ये जो पर्पल वाली बंद गोभी मेरे पास रखी हुई थी, इसको मैंने काट लिया था। उसके साथ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था कि मैंने गाजर भी डाल दी। यहाँ पे मैंने कोल्सलो सैलेड बनानी थी, मतलब ये मेरा ना गर्मियों में जब मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता है ना, तो ये कोल्सलो सैलेड मेरी फेवरेट होती है। ठंडी ठंडी खा के सुकून भी मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। वैसे मैं इसमें एप्पल और नॉर्मल वाली कैबेज और गाजर ऐड करती हूँ, और मैंने सोचा कि गाजर तो इसके अंदर गुम हो जाएगी जब मैं मिक्स करूंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर मैंने इसमें मेयोनीज डाली थी, नमक और काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस टाइम रात के शायद 10 बज गए थे और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब फिर से कुछ सर्च करूँ नया पर्पल और उसको बनाऊं। तो मैंने इसको गाजर को थोड़ा थोड़ा हटा हटा के जो पर्पल वाला पार्ट था उसको खा लिया था, और इसी के साथ हमारा चैलेंज हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने कमेंट्स में यार जरूर जरूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा है, मतलब इतने दिन बाद मैंने लॉन्ग वीडियो डाली, आज तो रिव्यू देना बनता है ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है लॉन्ग फॉर्म में। सच बताऊं ना तो आज इस चैलेंज के चक्कर में आधा दिन तो मैं भूखी रही हूं, और बस अब मैं जाके सोती हूं और सुबह उठ के मैं अच्छा सा पेट भर के नाश्ता करूंगी, और आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।